नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ सोनसो एलएमटेक 9 इंच कार एंड्रॉइड स्टीरियो। दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल स्क्रीन है जो कि किसी भी गाड़ी में लग सकती है। जस्ट आपको अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग एक अलग से 9 इंच फ्रेम परचेज करना पड़ता है। ये स्टीरियो आपको मिल जाता है 2+32 GB विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। चलते हैं दोस्तों मेन स्क्रीन की फीचर एंड स्पेसिफिकेशंस की तरफ। दोस्तों, ये इसकी बाय डिफॉल्ट मेन होम स्क्रीन है। इसमें आपको स्क्रीन के ऊपर ही स्पीडोमीटर मिल जाता है। जब आपकी गाड़ी रनिंग में होगी तब यहाँ पे आपको स्पीड दिखाता है। इसके अंदर आपको इनबिल्ट गूगल क्रोम, इनबिल्ट गूगल मैप्स, प्ले स्टोर, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, DSP, थीम्स, ये सभी चीज़ें इनबिल्ट मिल जाती हैं नेटफ्लिक्स डिज्नी प्लस के साथ। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ही MD03 थीम सेट। इसके अलावा आप अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइस के हिसाब से इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। दोस्तों, इसके अंदर आपको DSP मिल जाता है। इसके अंदर जो आपको DSP है उसमें आप इसकी म्यूजिक को सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सराउंड ऑन ऑफ, लाउडनेस ऑन ऑफ, सबवूफर के अंदर आपकी जो बेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में आपको ESP मिल जाता है एक। इसके अंदर आपको ये अपने हिसाब से सेट करने के और बाकी ऊपर ही आपको प्रीसेट मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको बैलेंसर मिल जाता है। दोस्तों, आपको मैं इसका प्रोसेसर, रैम, रोम दिखाता हूँ। तो आपको 11 एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है, 2 GB इंटरनल रैम मिल जाता है, 32 GB स्टोरेज मिल जाती है, साथ में TS9 आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिल जाता है। दोस्तों, कभी कभी स्टीरियो के अंदर जो रैम है वो 1 GB होती है, लेकिन फ्लैश करके उसको 2 दिखाया जाता है। तो मैं आपको CPU Z एप्लीकेशन के अंदर वेरीफाई करा रहा हूँ कि जेन्युइन 2 GB रैम है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जेन्युइन 2 GB रैम है और ये सब इसकी जेन्युइन स्पेसिफिकेशंस है। CPU Z के अंदर जो स्टीरियो की एक्चुअल स्पेसिफिकेशन होती है वो शो करता है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जेन्युइन एंड्रॉयड 11 वर्जन है, ये सभी चीज़ इसमें है। साथ में दोस्तों, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, जैसे कि ये इसकी एप्लीकेशन एप्पल कारप्ले की। ये देखिए दोस्तों, डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट होते के साथ ही ऑटोमेटिकली इसमें एंड्रॉयड ऑटो है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें मुझे ना ही कोई USB लगानी पड़ रही है। ये देखिए दोस्तों, टोटली वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, एंड्रॉयड ऑटो के अंदर आप अपने फोन का ही गूगल मैप यूज कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, आपकी गूगल मैप्स की कोई हिस्ट्री है, फिर आपको व्हाट्सएप पे कोई लोकेशन आती है, सभी चीज़ों का आपको स्क्रीन पे एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों कई एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि गाना एप्लीकेशन है या फिर YT म्यूजिक है, और भी कई एप्लीकेशंस जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके और डायरेक्ट उसका जो एक्सेस आप अपनी स्क्रीन पर ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसकी बाकी सेटिंग और स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये आपको ये सभी जनरल सेटिंग मिल जाती हैं इसकी, ये सभी डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग मिल जाती है, ये साउंड से रिलेटेड सभी सेटिंग है। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट इसका जो फैक्ट्री पासवर्ड है वो 6x0 है और इसके अंदर आपको ये सभी सेटिंग मिल जाती हैं। दोस्तों, आपकी गाड़ी में अगर स्टेरिंग व्हील कंट्रोल लगे हुए हैं तो वो भी इसमें आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाके, फिर कार सेटिंग में जाके और ये SWC टाइप के अंदर, यहाँ से जाके आप इसकी स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी बेस मॉडल कार है तो उसमें आप आफ्टर मार्केट यूनिवर्सल स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल भी लगा सकते हैं। वीडियो का आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपका ऑर्डर प्लेस करने के लिए। दोस्तों, ऑल इंडिया कुरियर फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है विद COD, कैश ऑन डिलीवरी। ऑर्डर के अंदर आपको ₹500 एडवांस करने पड़ते हैं और जो बाकी अमाउंट है वो आपकी ऑन डिलीवरी कलेक्टेबल रहती है। थैंक यू।